दोस्तों नमस्कार। आज के सत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रमोद खंडेलवाल। मैंने अपना बैंकिंग करियर 1974 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से शुरू किया था और 2017 के अंत में मैं इंडसइंड बैंक से चीफ कंप्लायंस ऑफिसर के पद से रिटायर हुआ। आज का विषय है विभिन्न प्रकार के ग्राहकों को कैसे संभालें। आज हम इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इस सत्र का विषय का उद्देश्य बीसीए के लिए क्या जरूरत, व्यवहारिक व हार्ड कौशल और संबंध बनाने के लिए कौशल। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जिंदगी में हमें लोगों से संबंध बनाने की जरूरत पड़ती है। हमारा जो सारा जीवन है इसी पर निर्भरित है कि लोगों से हम कैसे संबंध बनाते हैं, चाहे वह वैयक्तिक जिंदगी हो या कारोबारी जिंदगी हो। कारोबारी जिंदगी में भी लोगों से संबंध हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इस पर हमारा कारोबार निर्भर कर हम कितने इफेक्टिव होते हैं और कितने सफल होते हैं। लोगों से व्यवहार करने के लिए भी कुछ कौशल होते हैं, उसके बारे में आज हम जानेंगे। बीसीए के लिए इनको जानने की जरूरत क्यों है, यह बीसीए की भूमिका के अनुसार है। बीसीए भूमिका, जैसा आप सभी देख चुके हैं, बीसीए बैंक और वित्तीय रूप से वंचित वर्ग के बीच सेतु का काम करता है। बीसीए का मॉडल इसीलिए स्थापित किया गया था कि वित्तीय समावेशन हो। जहां बैंकों की शाखा नहीं है वहां बीसी बैंकों का मुखौटा है, उनका चेहरा है। इसका अर्थ कि बीसी के ऊपर बैंक की छवि निर्भर करती है। बैंकिंग व वित्तीय मामलों में लोगों को सीधी सहायता पहुंचाना यह बीसीए की मुख्य भूमिका है। इस वित्तीय समावेशन में बीसीए को लोगों का, जो उसके क्षेत्र में लोग रहते हैं, कमजोर वर्ग के लोग रहते हैं, उनका मित्र, उनका दार्शनिक और उनका पथ प्रदर्शक बनकर कार्य करना होता है। तभी वह अपना कार्य सुचारू रूप से और बहुत इफेक्टिव तरीके से कर पाएगा। लक्षित लोगों से, जो कि टारगेट ग्रुप है, उन लोगों से अच्छा संप्रेषण होना, अच्छा तालमेल होना, यह बहुत जरूरी है। बीसीए की सफलता इसी पर निर्भर करती है कि वह कितने प्रभावशाली ढंग से लोगों के साथ अपना तालमेल बिठा सकता है, उन्हें अपने विचार बता सकता है। बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में और इन सब टारगेट ग्रुप तक अपनी सेवाओं को पहुंचाने के लिए बीसीए पर निर्भर करता है। और खासकर बीसीए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि बीसी का कार्य जो लोग करते हैं वह ग्रामीण क्षेत्रों की, गांवों की अर्थव्यवस्था से, वहां के मनोविज्ञान से, वहां के बोली से, वहां के लोगों से परिचित होते हैं, उन्हें भली भांति समझते हैं, इसलिए उनसे अच्छी तरह तालमेल बिठा सकते हैं, संप्रेषण कर सकते हैं। इस सफलता के लिए जो है दो कौशल चाहिए पीसी को, एक हार्ड कौशल यानी और दूसरा व्यावहारिक कौशल। इन दोनों कौशलों में क्या फर्क है यह देखते हैं। हार्ड कौशल हुआ हमें जो शैक्षणिक शिक्षा मिलती है, जो अकादमिक शिक्षा मिलती है, विषय के बारे में जो हम जानकारी लेते हैं, फिर कार्य करते हुए जो हमें कारोबारी अनुभव होता है, हर कारोबार के कौशल के बारे में, तकनीक के बारे में हम जानते हैं, जो हम किसी कार्य विशेष में विशेषज्ञता हासिल करते हैं, वह विशेषज्ञता का स्तर, यह सब हार्ड कौशल में आते हैं। यह हमारी उस व्यापार की, उस कारोबार की कुशलता को दर्शाते हैं। दूसरी तरफ होते हैं व्यावहारिक कौशल, जिन्हें सॉफ्ट स्किल्स भी कहा जाता है। सॉफ्ट स्किल्स बहुत सामान्य, हर स्तर में, हर पहलू में काम आने वाले होते हैं। सॉफ्ट स्किल्स इंसान खुद उन्हें विकसित कर सकता है, स्वविकसित और संवाद मूलक होते हैं, अभिव्यक्ति के कार्य में आते हैं, मानवीय स्तर पर तालमेल बिना बिठाने के कार्य में आते हैं और अंतर्निहित होते हैं, सिखाई भी जा सकते हैं।
व्यावहारिक कौशल में कुछ चीजें विशेष हैं। एक ये सीखने की चीज है, खुद ब खुद कुछ विकसित होती हैं पर काफी कुछ सीखने की जरूरत होती है और सीखी जा सकती हैं। किस तरह की बातें सीखी जा सकती हैं, हम कैसे अच्छे बने व्यवहार में, एक इंसान के रूप में, मानव के रूप में कैसे अच्छे बने, आपस में दूसरों के साथ किस तरह हम खेलें या काम करें, अलग गतिविधियों में साथ साथ भाग लें, हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, समय के हिसाब से, स्थान के हिसाब से अपने आचरण को हम संपादित करें, सामाजिक अनुग्रह, सामाजिक रूप से हम किस तरह व्यवहार करें, जब परिस्थितियां विरोधी हों, जब परिस्थितियों में कुछ टकराव हो तो उन परिस्थितियों में समाधान किस प्रकार करें, दूसरे की प्रशंसा किस प्रकार करें, यह बहुत महत्वपूर्ण होता है व्यवहार का, कृपया और धन्यवाद जैसे शब्दों का उपयोग करना, मैत्रीपूर्ण होना और आशावादी बनना, लालस पूर्वक एटीट्यूड रखना और हमेशा लोगों को राजी करने वाली, प्रसन्न रखने वाली भाषा का प्रयोग करना, ये कुछ खास बातें हैं व्यवहार की कुशलता की। कुछ कौशल ऐसे होते हैं जो कि दूसरों से संबंध बनाने में और उन्हें अच्छी सेवा देने में बहुत सहायक होते हैं। यह हम कुछ संबंध देखेंगे। अच्छा संप्रेषण करना, दूसरों से संवाद, कम्युनिकेशन अच्छा करना, सक्रिय सूचना, आगे से दूसरों को लोग बात बताना, उनके हित की, उनके जानकारी की जरूरत की, धैर्य रखना, एक सकारात्मक अप्रोच रखना, अपने विचारधारा को सकारात्मक रखना, अपने में विश्वास, समस्या का समाधान करने का कौशल, जहां लगता हो कि आगे रास्ते बंद हैं वहां से रास्ता निकालना, जवाबदेही लेना, जिम्मेवारी लेना, जरूरत पड़ने पर क्षमा याचना करना और अच्छा संप्रेषण कौशल, कई कौशल का समग्र एक आचरण में लाना अच्छा संप्रेषण करने के लिए। संप्रेषण आप जानते हैं, आपस में इंसान संवाद करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं दो तरीके से, लिखित और मौखिक, ईमेल द्वारा, पत्राचार द्वारा, या टेलीफोन पर बात करके, या रूबरू मिलकर बात करके, दोनों ही संप्रेषण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, दोनों का ही असर एक दूसरे पर होता है। बीसीए के लिए ये जरूरी है कि ग्राहक से संप्रेषण अच्छा हो, इसलिए बीसीए में यह सामर्थ्य होना चाहिए, उसको उसमें यह काबिलियत होनी चाहिए कि वह ग्राहक की जरूरतों को बराबर समझ सके और ग्राहक के लिए आवश्यक कार्य करने की क्षमता भी होनी चाहिए। कार्य करने की क्षमता हार्ड कौशल से आएगी, पर ग्राहक की जरूरत को समझने के लिए अच्छा संप्रेषण होना जरूरी है कि किस तरीके से ग्राहक से वह कम्युनिकेट कर पाता है। ग्राहक से जब बात कर रहे हैं, सामने वाले से बीसी जब बात करता है, उसकी आवाज प्रसन्न चित्त हो, ऊंचे स्वर में बोलकर विश्वास जताए और स्पष्टता हो संप्रेषण में, उसमें किसी तरह की गोलमोल संदेश नहीं हो बल्कि क्लियर साफ संदेश हो। इस अच्छे संप्रेषण के लिए कुछ गुण सहायक होते हैं, सुनना, फिर खुद पर नियंत्रण, धैर्य, सकारात्मकता, अग्रहिता, संघर्ष समाधान और सहानुभूति। सुनना, सक्रिय रूप से सुनना, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कला है। अक्सर लोग समझते हैं कि वे सुन रहे हैं पर अधिकांश लोग पूरी तरह नहीं सुनते हैं, सुनने में वे कमजोर होते हैं, कई बार कुछ बातें सुनते नहीं हैं, कुछ बातें सुनते हैं अपने परिप्रेक्ष्य से, उन्हें ठीक से समझते नहीं हैं,
सामने वाला क्या कह रहा है, और इसके कारण फिर आपस में गलतफहमियां होती हैं, बातों पर पूरी तरह ध्यान नहीं देते हैं। तो ग्राहक को ध्यान से सुनना एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, पहला कदम है ग्राहक के साथ अच्छा संबंध होने के लिए। गलत सुनने से ग्राहक के साथ गलतफहमी हो सकती है, उससे संबंध बिगड़ सकते हैं। ग्राहक की जरूरतों को ठीक से समझना ग्राहक सेवा के लिए बहुत जरूरी है। ठीक से सुनने पर ही उसकी जरूरतों को ठीक से समझा जा सकता है। ग्राहक के बोलने का तरीका अलग अलग हो सकता है, पर हमें उसमें से सही अर्थ निकाल कर और उसके लिए सही तरीके से सुनकर और फिर आगे एक्शन लेना होता है। ग्राहक को, सामने वाले को भी महसूस होना चाहिए कि हम सुन रहे हैं। अगर सामने वाले को ऐसा महसूस नहीं होता है कि हम सुन रहे हैं, तो वह परेशान हो जाता है, उसे लगता है कि उसे महत्व नहीं दिया जा रहा है, कई बार वह चिढ़ भी सकता है। सुनने के लिए, यह प्रदर्शित करने के लिए कुछ प्रतिक्रिया आवश्यक है। आपने महसूस किया होगा जब आप मोबाइल पर बात कर रहे हैं अपने किसी मित्र से, 1 या 1.5 मिनट तक अगर सामने से किसी तरह की कोई आवाज नहीं है, तो आप बेचैन हो जाते हैं कि क्या हुआ, सामने वाला ध्यान दे रहा है या नहीं, या मोबाइल में फोन का कनेक्शन कट गया। ऐसा इसीलिए होता है कि आपको कोई प्रत्युत्तर नहीं मिलता है। इसलिए सुनते समय कुछ प्रत्युत्तर, कुछ प्रतिक्रिया होनी चाहिए, जिसके लिए स्पष्टीकरण का कोई प्रश्न हो सकता है, या सिर्फ एक शब्द हाँ अच्छा ठीक है, इस तरीके के शब्दों का उपयोग हो सकता है, जिससे सामने वाले को यह पता लगे कि हाँ आपका ध्यान उसकी ओर है। अगर रूबरू बात हो रही है तो आपके हाव भाव से भी यह प्रदर्शित हो सकता है कि आप बराबर उसे सुन रहे हैं। सक्रिय रूप से सुनने के बाद दूसरा बहुत महत्वपूर्ण गुण है धैर्य। धीरज पूर्वक जब हम दूसरे की बात सुनते हैं, सामने वाला उससे संतुष्ट होता है। अगर हम हड़बड़ी में हैं, उसकी बात ध्यान से धीरज से नहीं सुन रहे हैं, बीच में उसको रोक रहे हैं, रोक टोक कर रहे हैं, तो सामने वाले को यह लगता है कि नहीं, आप या तो उसके विरोध में हैं या उसे महत्व नहीं दे रहे हैं, उसकी बात को, उसके मामले को पूरा जितनी समुचित महत्व देना चाहिए वह नहीं कर रहे हैं। इसलिए यह जरूरी है ग्राहकों से बात करते समय शांत चित्त रहें, पूरे गौर से धीरज के साथ उसकी बात सुने। भले ही उसमें उसकी कई बातों से आप कोई विचार मेल नहीं खाते हों, तब भी चुपचाप शांति से सुने। नकारात्मक मुद्दे आए तो भी अपना धीरज बनाए रखें। सामने बोलने के पहले जब पूरी तरह बोल ले, तब उसके बाद आप बोलें, बीच में रोक टोक न करें। अगर विवादास्पद स्थिति है, संघर्ष की स्थिति है, तो भी आप धैर्य रखेंगे तो उस संघर्ष की स्थिति का हल सफलतापूर्वक निकालने में मदद मिलेगी। इसलिए धैर्य बहुत ही जरूरी गुण हो जाता है अच्छे संप्रेषण संबंध के लिए। सकारात्मकता, यह एक अगला गुण है जो बहुत जरूरी है। सकारात्मक विचार रखने से ग्राहक को संभालने में बहुत सहायता मिलती है, खासकर उस समय जब ग्राहक उत्तेजित हो, जब मामला कोई विवादपूर्ण हो और ऐसा लगता हो कि परेशानी काफी होगी, तब आपके सकारात्मक विचार और सकारात्मक व्यवहार उस परिस्थिति को निपटने में बहुत सहायक होता है। ग्राहकों को किसी भी उत्पादन के बारे में बताने में भी सकारात्मक विचार, सकारात्मक प्रवृत्ति बहुत मदद करती है। कंपटीशन के कई
पहलू हो सकते हैं, उसी तरह के उत्पादन कंपटीशन के भी हो सकते हैं, पर सकारात्मक वृत्ति से उनसे हतोत्साहित होने की जगह आप बहुत उत्साहपूर्वक अपने उत्पादकों के बारे में, अपने सेवाओं के बारे में आप जानकारी दे सकते हैं। इसके लिए खुद एक आशावादी होना जरूरी है, हमेशा आगे के लिए बहुत अच्छे उम्मीदें रखें और सक्रियता होना जरूरी है कि आगे से पहल करें और आगे कदम बढ़ाएं। खुद में विश्वास यह एक महत्वपूर्ण गुण है जिससे कि आप अपना विश्वास आपका लोगों को दिखेगा और आप में विश्वास देखकर लोगों का आप पर विश्वास बढ़ेगा। तो ग्राहकों के साथ विश्वास और व्यावसायिकता, प्रोफेशनल बैकग्राउंड में संबंध बनाने में विश्वास बहुत सहायता करता है। इसलिए खुद का विश्वास जाहिर होता है, आप किस तरह बात करते हैं, किस तरह अपने विषय के बारे में, अपने उत्पादों के बारे में जानकारी देते हैं और इसे ग्राहक अच्छी तरह महसूस कर सकते हैं आपके व्यवहार से, आपके बोलने के तरीके से। समस्या का समाधान संबंधों में बहुत जरूरी है। कोई भी संबंध जो लंबे चलते हैं उनमें ऐसे क्षण जरूर आते हैं कि समस्याएं आती हैं, जब आपस में विचार मेल नहीं खाते, जब किसी कारण से कहीं कोई खामी होने से किसी एक पक्ष को कोई तकलीफ होती है, कोई नुकसान होता है और वह फिर दूसरे पक्ष से कुछ नाराज होता है, कुछ शिकायतें करता है। ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए समस्याओं का समाधान ढूंढने का कौशल होना चाहिए। यह होता है कि समस्या के कारण जो सामने से प्रतिक्रिया होती है दूसरे पक्ष की, जिसका नुकसान हुआ है, जो आहत हुआ है, उसकी प्रतिक्रिया के प्रति संवेदनशील होते हुए समस्या के मुद्दे पर गौर करना और यह सोचना कि इसमें आगे रास्ता कौन सा निकल सकता है जिससे कि दोनों पक्षों के लिए विन विन सिचुएशन हो, सामने वाले की तकलीफ का कुछ निवारण किया जा सके और साथ ही उसके लिए ऐसा बेहतरीन समाधान ढूंढ सकें जिससे वह संतुष्ट हो और उसकी भावनाओं को जो ठेस लगी है वह भी कुछ हद तक उनको संभाला जा सके। जवाबदेही का जो एटीट्यूड है वह बहुत मदद करता है लोगों के साथ आपकी छवि बनाने में। आप में जवाबदेही होनी चाहिए, एक जवाबदारी लेने की नियत होनी चाहिए। जवाबदेही आपको जो कार्य किया दिया गया है उसे बराबर करने के लिए, संभालने के लिए, आप अपने विश्वास लोगों का बनाए रखता है। वह कार्य समय पर और सही ढंग से आप करेंगे, यह विश्वास लोगों में होता है। दूसरी तरफ अगर उस कार्य का जो भी नतीजा होगा उसकी जिम्मेवारी जब आप लेने को तैयार होते हैं तो लोगों का विश्वास आप में बढ़ जाता है। इसलिए यह जवाबदेही ग्राहक सेवा के लिए एक बुनियादी कौशल है और इससे ग्राहक का आप में विश्वास बहुत ही अधिक हो जाएगा, यह बहुत ही श्रद्धेय बात है। जब कभी भूल चूक हो जाए, और ऐसा होता है वास्तविक जिंदगी में, उस समय क्षमा याचना का गुण बहुत जरूरी होता है। अगर सेवा खराब हो गई है तो उससे कतराने के बजाय, टाल मटोल करने के बजाय, उसे नकारने के बजाय अगर उसे क्षमा पूर्वक स्वीकार कर लिया जाए, बैंक की तरफ से भी अगर क्षमा याचना, चाहे गलती बैंक के किसी और विभाग में हुई हो, क्योंकि आप बीसी ग्राहक से बर्ताव करता है तो बीसी को बैंक की तरफ से भी क्षमा याचना करना उचित रहता है। क्षमा याचना करने से ग्राहक के को कुछ शांति मिलती है, उसकी आहत भावनाओं को कुछ मरहम लगता है। अगर ऐसे समय पर गलती मानने की जगह अगर उस गलती को नकारा जाए,
या उस गलती के ऊपर इस तरह बोला जाए, हाँ ऐसा तो कभी हो जाता है, तो क्या हुआ, तो यह जले पर नमक छिड़कने के बजाय होगा। दूसरी ओर क्षमा मांगने पर आहत भावना पर मरहम रखती है और उसके आगे फिर आगे समाधान ढूंढने के लिए एक पृष्ठभूमि बन जाती है और फिर समाधान ढूंढने की कोशिश की जा सकती है, जिससे दोनों के मध्यस्थ कोई समाधान हो सके। तो अच्छा संप्रेषण क्या है? दो या अधिक व्यक्तियों के बीच सूचना, विचार, विचारधारा का आदान प्रदान अच्छा संप्रेषण है। इसका मकसद यह होता है कि दोनों पक्ष एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं, उनकी समझ सामान्य रूप से, समान रूप से विकसित होने की प्रक्रिया है। संप्रेषण मौखिक और लिखित दो तरीके के हो सकते हैं, जैसा हमने देखा। ये औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरीके के होते हैं। बैंकिंग, व्यापारी, कारोबारी, उसमें औपचारिक संप्रेषण ज्यादा होते हैं, औपचारिक कम्युनिकेशन ज्यादा अधिक होते हैं। पर इन औपचारिक संप्रेषण में भी जब हम ग्राहक से मिलते हैं, थोड़े अनौपचारिक संप्रेषण का पुट रहता है। ग्राहक से जब जब भी मुलाकात होती है, थोड़ी बहुत व्यक्तिगत बातें उससे की जाती हैं एक तालमेल बिठाने के लिए। तो जहाँ तक मौखिक संप्रेषण होते हैं, उनमें थोड़ा इनपुट होता है अनौपचारिक संप्रेषण का। इसी तरह लिखित, तो उसमें भी किसी त्योहार पर, किसी न्यू ईयर के अवसर पर ग्राहक को ग्रीटिंग मैसेज भेजना, यह अंशतः अनौपचारिक कम्युनिकेशन होता है। संप्रेषण का, कम्युनिकेशन का असर संबंधों पर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। यह संबंधों को बहुत अच्छा बना सकता है, सुदृढ़ कर सकता है। दूसरी तरफ यह संबंधों को बिगाड़ सकता है, चूर चूर कर सकता है, अगर खराब संप्रेषण हुआ तो। हाव भाव का संप्रेषण में बहुत महत्व होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का बहुत महत्व होता है। हाव भाव और बोले हुए शब्दों में सामंजस्य होना जरूरी है। अगर वह सामंजस्य नहीं हो तो विश्वसनीयता नहीं रहती है। अच्छे संप्रेषण के मुख्य बिंदु सुनना, नम्रता, स्पष्टता, सहानुभूति रखना, ग्राहक के साथ, सामने वाले के साथ सहानुभूति हो, उसकी परिस्थिति को ठीक से समझ रहे हैं, उसकी परेशानी को स्वीकार कर रहे हैं, अवरोध हटाना, आपस में कोई ऐसे बिंदु हो जिन पर तालमेल नहीं हो तो उन बिंदुओं को दूर करना, आपसी मध्य मार्ग निकाल कर धैर्य रखना, जैसा हम देख चुके हैं। आंखों से संपर्क, जब रूबरू मिल रहे हैं तो आंखों से संपर्क बहुत महत्वपूर्ण होता है। इससे हर आमने सामने व्यक्तियों को लगता है कि वह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तर्क वितर्क नहीं करना, मतभेद होने पर भी तर्क वितर्क नहीं करना, बल्कि उसको मुद्दों को आपसी मान के साथ एक दूसरे को समझाना, प्रतिक्रिया देना, प्रत्युत्तर देना, रिस्पॉन्स देना जरूरी है। किसी को ऐसा नहीं लगे कि आप उसे इग्नोर कर रहे हैं या उसे आप समुचित मान नहीं दे रहे हैं। अंतर्वैयक्तिक, इंटरपर्सनल संपर्क बनाए रखना, यह कांटेक्ट औपचारिक, अनौपचारिक तरीके से, मौखिक तरीके से बनाए रखना, ये कुछ मुख्य बिंदु हैं अच्छे कम्युनिकेशन के। तो दोस्तों, बीसी को प्रभावशाली होने के लिए क्या गुण है, इसको हम बहुत छोटे में समझते हैं। सामाजिक उद्देश्यों और लक्ष्यों की ओर प्रतिबद्ध होना। बैंकिंग से जुड़ने पर बैंकिंग के कुछ सामाजिक उद्देश्य हैं, आर्थिक विकास के राष्ट्रीय कुछ उद्देश्य हैं और लक्ष्य हैं, उनकी ओर अपना प्रतिबद्ध होना। ग्राहकों के प्रति संवेदनशील होना, उनकी जरूरतों को समझना, उनकी कठिनाइयों को समझना, जिससे उन्हें यह हमेशा लगे कि यह बीसी हमारा मित्र है, हमें समय पर सहायता करेगा, हमारा मार्गदर्शन करेगा। इसके लिए अपना विश्वास और कौशल को
विकसित करना, क्योंकि उसी विश्वास और उन कौशल के आधार पर ही ग्राहकों की सेवा की जा सकती है और उनके साथ अच्छे संबंध बनाए जा सकते हैं। किसी भी गलत या भ्रामक कथन से बचना, कोई भ्रामक भ्रम में ग्राहक को नहीं रखना, उन्हें गलत सूचना नहीं देना, कथन नहीं देना, क्योंकि उससे आपकी विश्वसनीयता पर असर पड़ेगा और आपकी विश्वसनीयता बीसी की विश्वसनीयता के साथ साथ बैंकों के उस बैंक की विश्वसनीयता पर असर पड़ेगा और बैंकिंग व्यवहार विश्वास के ऊपर है। उत्पाद के खास तथ्यों को नहीं छिपाना और मिटाना भी नहीं, यह करना न सिर्फ गलत हुआ है मॉरल तरीके से, बल्कि यह एक अपराध भी है और इसके लिए दावे भी हो सकते हैं। वित्तीय उत्पाद से संबंधित जोखिम कारकों को छिपाकर बिक्री नहीं करना, अगर किसी उत्पाद में कोई जोखिम है तो उसे आगे से बता देना, नहीं तो उससे घाटा होने पर ग्राहक की ओर से भरपाई का दावा बैंक पर हो सकता है और बैंक को नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि प्रभावशाली होने के लिए ग्राहक के साथ किस तरह अपना कौशल से संबंध बना सकते हैं, और आशा है आज के सत्र की जानकारी आपको पसंद आई और आपके लिए उपयोगी होगी। धन्यवाद।